ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। कमरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अमेठी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज के कुशल नेतृत्व में थाना अध्यक्ष कमरौली को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना अध्यक्ष कमरौली ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास थे 1 किलो 800 ग्राम चरस, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 40 लाख है, व एक अदद तमंचा, 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। उक्त घटना का खुलासा क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना संतोष कुमार सिंह ने किया। राम प्रसाद शुक्ला, ब्यूरो प्राइम न्यूज 24, अमेठी के साथ विजय सिंह की रिपोर्ट। 2020 की शाम लगभग 9:30 बजे जगह मुखबिर यह सूचना मिली कि कमरौली कस्बे में सिंदरवा मोड़ के पास 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष संदीप राय अपने हमराई टीम के साथ वहां पर पहुंचे और उन दोनों व्यक्तियों को अपने कब्जे में लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम रजी और दूसरे ने अपना नाम पंकज पांडे बताया। उनकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से 1 किलो 800 ग्राम चरस, 1 .315 और तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आज दिनांक 11/7/2020 को उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।